इस सेशन में हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले सेशन में हमने ये देख लिया था कि ECT का मेथड या टेक्निक क्या थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ECT में जो टीम होती है वो कौन सी टीम होती है। तो हमारा जो सब टॉपिक है वो है ECT टीम। ओके, तो इस टीम में कौन कौन से लोग होते हैं। सबसे पहले तो साइकेट्रिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही ये प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो साइकेट्रिस्ट सबसे पहले, देन एक साइकेट्रिस्ट नर्स जो होती हैं जिन्होंने अच्छा कोर्स किया, कंप्लीट किया हो, BSc GNM या फिर मास्टर्स डिग्री भी बोल सकते हैं, जिन्होंने साइकेट्रिस्ट में स्पेशलिटी करी हो। साइकेट्रिस्ट नर्स होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमें तीसरी चाहिए होते हैं वो है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। तो ये है ECT टीम, ये तीन लोग चाहिए होते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट नर्स और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ECT देने का इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन ऑफ ECT क्या क्या है, किस किन किन लोगों को या कौन कौन से मेंटल इलनेस वाले लोगों को हम कौन कौन से मेंटल इलनेस ऐसे हैं जिसमें हम ECT प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सीवियर डिप्रेशन, जिनको भी सीवियर डिप्रेशन है, जैसे जिनको सुसाइडल टेंडेंसी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, सुसाइड करने का उनका मन करता है, तो जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले हैं उनको हम जो ECT है वो देते हैं। या फिर जिनको जेनेटिकल डिप्रेशन जो बोलते हैं, एंडोजिनस डिप्रेशन हो गया, जिनका रीज़न जेनेटिकल है, उनको ECT देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एंडोजिनस डिप्रेशन, ठीक है, जिनका रीज़न क्या है, जेनेटिक उनका रीज़न है, तो उन लोगों को भी क्या करते हैं, हम ECT देते हैं, ठीक है। सीवियर डिप्रेशन के अलावा सीवियर साइकोसिस हम बोल सकते हैं, सीवियर साइकोसिस जिसमें हम स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट, जो सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट होंगे उनको हम क्या करेंगे, ECT देंगे। उसके बाद आते हैं जो सीवियर मेनियाक वाले पेशेंट होते हैं, मेनिया वाले, ठीक है, सीवियर फॉर्म वाला जो मेनिया वाले पेशेंट है उनको हम ECT देते हैं। उसके अलावा क्या है, जो हमने पढ़ा था डिलीरियम या डिमेंशिया, जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर पढ़ा था, तो सीवियर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स जिसमें क्या क्या आता है, डिलीरियम आ गया, डिमेंशिया आ गया, ठीक है। ओके, तो ये है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सॉरी इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मतलब किन किन लोगों को हमें ECT देना है। सीवियर डिप्रेशन हो गया, जिसमें जिसको बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी है, या फिर ऐसा डिप्रेशन जिसका रीज़न क्या है, जेनेटिक है, जेनेटिकली पेरेंट्स के थ्रू या फिर फैमिली के थ्रू वो पास ऑन होता जा रहा है, उन लोगों को। या फिर सीवियर साइकोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया, सीवियर स्किज़ोफ्रेनिक जो होंगे, जिनको बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको इल्यूजन हो रहा है, तो उन लोगों को भी ECT देते हैं। नेक्स्ट सीवियर मैनिया, ये सारे सीवियर फॉर्म्स ऑफ मेंटल इलनेस हैं, सारे जितने भी सीवियर फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस हैं उनको हम क्या करते हैं, ECT प्रोवाइड करते हैं, ECT एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट हम डील करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किन किन लोगों को ECT जो है वो नहीं देना है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो ये आता है कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है, ठीक है, इंक्रीज्ड ICP, अगर बहुत ज़्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, या फिर IOPV इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, और उस टाइम पे आप अलग से इलेक्ट्रिक करंट पास और कर दे रहे हो, तो उससे ब्रेन डैमेज या फिर आई का डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो दैट्स वाई कभी भी, जब भी हम पेशेंट को ECT देते हैं, तो उससे पहले उनका फिज़िकल हेल्थ जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके वजह से इंक्रीज्ड क्रेनियल प्रेशर या फिर इंक्रीज्ड ऑक्यूलर प्रेशर हो रहा हो।
तो सबसे पहला तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये हो गया। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कोई भी सेरेब्रल इन्फेक्शन हो, ठीक है, सेरेब्रल इन्फेक्शन हो या फिर कोई सेरेब्रल डैमेज हो, ठीक है, तो उनको हम ईसीटी नहीं देते हैं। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर वाले जो भी पेशेंट हैं उनको ईसीटी आप नहीं दे सकते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इससे क्या होगा, अगर आप ईसीटी दे रहे हैं तो चांसेस रहते हैं कि या तो मिसकैरेज होने का चांसेस है या फिर कुछ हार्मोनल डिसबैलेंसेस के वजह से जो फीटस होगा उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी नहीं देते हैं। ब्रेन ट्यूमर में भी क्या है, जो ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के चांसेस रहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं जिसकी वजह से ट्यूमर में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है बॉडी पे, दैट्स वाई ब्रेन ट्यूमर में भी ईसीटी नहीं देते हैं। ओके, एक और है कि अगर कोई भी हेमरेज है ब्रेन में, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो नहीं देना है। उसके अलावा अगर फ्रैक्चर है, ठीक है, तो नहीं देना है, फ्रैक्चर में भी नहीं देना है। और एक और कंडीशन है जो है MI, MI में भी ECT नहीं देना है, बिकॉज़ हमने पहले पढ़ा था जब हम ये पढ़ रहे थे कि हम एट्रोपिन क्यों देते हैं, एट्रोपिन देते इसीलिए हैं ताकि जो हार्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन का जो पूरा रिदम है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ऑलरेडी किसी को MI है और फिर उसे इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है तो उसके हार्ट के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है, बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकती है, इसीलिए हम MI वाले पेशेंट्स को भी ECT नहीं देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओके, ये था कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में जस्ट ऐसे ही बोल देती हूँ आपको, साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे सबसे पहला तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो उससे एमनीशिया होने के चांसेस है, जो कि सीवियर में है और बहुत रेयर केस है, लेकिन एमनीशिया होने के चांसेस रहते हैं। जो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट है जैसे रेस्टलेसनेस हो गया, एनजाइटी हो गया, थोड़ा बहुत फिटीग वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। और सीवियर जो कॉम्प्लिकेशंस या फिर सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एमनीशिया हो गया, ये सारी चीज़ें, डिल्यूजन हो गया, कन्फ्यूजनल साइकोसिस हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ओके, तो ये था साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट के बाद हम देखते हैं कि जो ECT रूम हम प्रिपेयर करते हैं या फिर जो ECT सेटअप होता है, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो ECT जहाँ पे भी होता है उससे पहले आपके पास एक सिटिंग एरिया होना चाहिए, बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए जहाँ पे जो भी पेशेंट है वो बैठ सके वहाँ पे, और ECT जब भी लेने जा रहे हैं तो वो वहाँ बैठ सके और उनको वो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छा लगे। ECT रूम जो है, ECT रूम के अंदर ECT मशीन होना चाहिए, उसके साथ सक्शन एपरेटस होना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए और बेड, ऑब्वियसली बेड होना चाहिए। ECT के बाद जो रूम है, एक ECT के बाद मतलब पोस्ट प्रोसीजर रूम जिसको बोला जाता है, पोस्ट प्रोसीजर रूम में 6 से 8 बेड होना चाहिए ताकि ECT कराने के बाद जो भी पेशेंट होंगे वो वहाँ पे रेस्ट कर पाएँ तब तक जब तक वो दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट नहीं होते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नर्सेस का रोल क्या होता है, जो भी ये ECT का टाइम चल रहा है, प्री ECT, इंट्रा ECT एंड पोस्ट ECT जो प्रोसीजर होगा उसमें नर्सेस का क्या रोल है, तो ये हम देखते हैं, रोल ऑफ नर्स, ठीक है, ये क्या है प्री ECT में क्या क्या रोल होता है। ओके, तो सबसे पहले नर्सेस को एक कंसेंट साइन कराना होता है पेशेंट से या फिर पेशेंट के साथ जो भी हैं उनसे,
ये बोलकर कि जितने भी, सबसे पहले तो ECT का जो प्रोसीजर है वो आपको समझाना है। अगर पेशेंट समझने की हालत में है तो पेशेंट को समझाना है, अगर पेशेंट समझने की हालत में नहीं है तो आप उनके अटेंडर को समझाएंगे और उसके बाद एक कंसेंट पे साइन करवाएंगे ताकि आगे जाके कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि आपने ECT का जो प्रोसीजर है वो हमें नहीं बताया या फिर आपने कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताए, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताए। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको पहले ही बता के देन कंसेंट पे साइन कराना है। उसके बाद सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, एक्सरे करवाना है ताकि कोई भी फ्रैक्चर या फिर कोई भी चीज़ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। उसके अलावा जो भी पेशेंट हैं उनसे उनके जो भी ज्वेलरीज वगैरह हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी उन्होंने पहना है उसको बोलना है, जो भी मेटल वाली चीज़ उन्होंने पहनी है उसको बोलना है कि आप अपना जो भी ड्रॉअर है या कबर्ड है वहाँ रख के जाइए या किसी को दे के जाइए, क्योंकि वो लेके नहीं जाना है ECT रूम में। उसके अलावा वाइटल साइंस वगैरह प्रॉपर चेक करके ये सारी चीज़ें करने के बाद और प्री ECT के ड्यूरिंग ही आप एट्रोपिन उनको देते हैं, ठीक है। एट्रोपिन का इंजेक्शन जो देना होता है वो आप प्री ECT में ही देते हैं। प्री ECT के बाद 4 to 6 hours तक स्टार्वेशन होना रहता है। 4 to 6 hours तक आप खाना नहीं देंगे पेशेंट को ECT से पहले। रात की जो डोजेज, जैसे मॉर्निंग में अगर ECT हो रहा है तो जो नाइट डोजेज होंगी ड्रग्स की, मॉर्निंग ड्रग की डोजेज होंगी, ये सब आपको बंद कर देना, विदहोल्ड करना है, ठीक है। आप नहीं देंगे जब तक आपको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, ओके। और इसके अलावा जो भी बाउल एंड ब्लैडर है वो पूरा एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए ECT के पहले। तो ये है प्री ECT में जो जो चीज़ें होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि पोस्ट ECT में क्या होना चाहिए। पोस्ट ECT में हमने पहले बात किया था कि एनेस्थीसिया जो देते हैं, थियोपेंटोन सोडियम एनेस्थीसिया देना है, देन मसल रिलैक्सेंट देना है। उसके बाद उनको 70 to 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ करंट देना है। कितना सेकंड्स के लिए? 0.3 to 1.5 सेकंड्स के लिए, ओके ओके। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रा में, यही था जब तक आप करंट पास करते हैं प्रोसीजर वहीं तक रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट ECT में क्या होता है। पोस्ट ECT में जैसा मैंने आपको बोला कि पेशेंट को ECT रूम से कहाँ भेज दिया जाता है? पोस्ट प्रोसीजर रूम में। पोस्ट प्रोसीजर रूम में भेज दिया जाता है। पोस्ट प्रोसीजर रूम में भेजने के बाद उनको सबसे पहले ओरिएंटेशन कराना है दोबारा से। जब वो थोड़ा बहुत मतलब समझने लग जाते हैं तब उनका ओरिएंटेशन कराना है। उनका वाइटल साइंस बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। फिर से एक बार हिस्ट्री टेकिंग, फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है ताकि आपको पता लगे कि ECT का क्या क्या फ़र्क आया है या फिर कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे कर रही हैं। और उसके बाद उनके मेडिकेशंस वगैरह जो हैं वो डोसेज वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से देना है, ओके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमने सबसे पहले देखा ECT टीम हमने देखा, देन उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं ECT के। उसके बाद हमने देखा कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे। साइड इफ़ेक्ट्स के बाद हमने ECT का जो फैसिलिटी होता है, ECT रूम के फैसिलिटीज़ क्या क्या होते हैं वो हमने देखा। और लास्ट हमने देखा रोल ऑफ नर्स, ओके। तो आज के टॉपिक में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।